कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मन में उमंग है, दिल में जोश है, आंखों में रंग है। आओ हम सब गिले सुखवे दूर करें, प्यार से होली खेलें। रंगों की वर्षा में सबको भिगो दो, रंगों की वर्षा में सबको भिगो दो, यही होली है, यही होली है। किसान बहनों भाइयों, आज के होली के पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी समय फसलें कुछ पक चुकी हैं, कुछ पकने के लिए तैयार हैं। ये इस बात का भी खुशी का दिन है। और हमारे बागों में खासकर आमों में बौर आ रहा है, और वहीं जो पतझड़ वाले पौधे थे वो भी जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। देश में यूरिया उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में खरीफ से लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लवणीय भूमि एवं खारे पानी द्वारा भी अधिक पैदावार। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली के अवसर पर मन में उल्लास लिए आप खेतों में खड़ी फसलों से बेहतर पैदावार प्राप्त करें। खेती किसानी कृषि विज्ञान और सरकारी योजनाओं से जुड़े समाचारों के सेगमेंट खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के निर्णय के बाद देश में यूरिया उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने देश में यूरिया उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हाल ही में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी के लिए योग्य होने वाली सिंगल सुपर फॉस्फेट विनिर्माण इकाइयों के लिए न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड को तत्काल प्रभाव से हटाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। नीतिगत सुधारों के क्रम में लिए गए सरकार के इस फैसले से देश में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले के बाद उर्वरक मंत्रालय को उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। सरकार ने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने और गैर कृषि उपयोग को रोकने के लिए 100% यूरिया को अब नीम युक्त कर दिया है, जिससे गैर कृषि कार्यों में इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। गैर कृषि कार्यों में यूरिया का उपयोग बंद होने का सीधा फायदा खेतों को मिलेगा और देश की विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। किसानों के लिए बेहद लाभकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन से लागू किया जाएगा। किसानों के खेतों में लगी फसल को प्राकृतिक आपदा के चलते होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्तर प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन से लागू किया जाएगा। हाल ही में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक में इस योजना के बारे में विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया कि खरीफ में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त प्रवीर कुमार ने इस बारे में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के साथ ही फसलिया रोगों व कीटों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को होने वाली हानि से भी किसानों को सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक किसान फसल का बीमा जरूर कराएं। हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक लवणीय एवं क्षारीय भूमि को सुधार कर अच्छा उत्पादन लेने के शोध कार्यक्रम में लगे हुए हैं। साथ ही खारे पानी का भी फसलों में कैसे इस्तेमाल करें, इसमें भी काफी सफलता प्राप्त कर ली है। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI करनाल लवणीय मिट्टी को सुधारने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। खारे पानी का भी फसलों में कैसे इस्तेमाल करें जिससे मिट्टी भी खराब ना हो एवं उत्पादन भी भरपूर मिले, इस बारे में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मृदा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार यादव ने बताया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल आपकी सेवा में 1970 से कार्यरत है। इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं का सुधार एवं प्रबंधन करना है।
तो मैं आप सब की जानकारी के लिए सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे ये जाने कि हमारी मिट्टी या पानी क्षारीय है या लवणीय है। उसको मापने के पैमाने होते हैं, जैसे कि इस परिदृश्य में इस बोर्ड पे आप देख रहे हो कि इस क्षेत्र की सारी मृदाएं क्षारीय थी, जिनका कि मापने का जो पैमाना है वो पीएच मान है। आप देख सकते हैं कि पीएच मान जो हमारी ये संस्थान बनी 1970 में, उस वक्त हमारी इन मृदाओं की जो सतह की पीएच मान थी वो लगभग 10.6 थी। जब मृदा का पीएच मान 8.2 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब मृदा में ऊसरता, क्षारीयता, आप इसको अल्कलिनिटी या सोडिसिटी कुछ भी कहें, वो उस इस पीएच मान से हम उसको वर्गीकृत करते हैं। अगर पीएच मान 8.2 से ज़्यादा है तो हमें विशेष ध्यान रखना है और इस तरह की मृदाओं को हम ऊसर मृदा कहते हैं। इसी प्रकार अगर मृदा में ईसी मान एक एक पैमाना है, दूसरा वो लवणीयता को दर्शाता है। लवणीयता में अगर 4 डेसी साइमन से ज़्यादा मृदा का जो ईसी का पैमाना है वो अगर 4 डेसी साइमन से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि मृदा लवणीय है। तो इस तरह से हम मृदाओं को, जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं, उनको दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक क्षारीय मृदा जिनका पीएच मान 8.2 से ज़्यादा हो, दूसरी लवणीय मृदाएं जिनका कि ईसी मान 4 डेसी साइमन से ज़्यादा हो। अब इनको कैसे इनका प्रबंध करें, इन मृदाओं के प्रबंधन के लिए क्षारीय मृदाओं का सुधार हम रासायनिक अमेंडमेंट्स से कर सकते हैं, सुधारक से कर सकते हैं। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम किसान भाइयों के लिए एक अति सुगम, प्रयोग करने में सरल और अच्छे से यूज करके हम उसको मृदा को सुधार सकते हैं। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम के बारे में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे। देश में उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है और कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। किसान भाइयों, कृषि संबंधी कार्यक्रम में आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। आप अपने अमूल्य सुझाव हमें जरूर भेजें। खेती से संबंधित खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, नारियल जहां हमारी पूजा का प्रतीक है, वहीं नारियल पोषक तत्वों से भरपूर है और आज हमारे किसान भाई नए नए अनुसंधान से जो नारियल की खेती कर रहे हैं वो अधिक पैसा कमा रहे हैं। भारत सरकार की नारियल के प्रति क्या योजना है, किसानों के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। कृषि एवं बागवानी आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर एस के मल्होत्रा जी से। जैसे कि जीवन में अगर विविधता ना हो तो उसका कोई वो निरस दिखेगा, इसीलिए विविधीकरण जो है बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से हमारी कृषि में भी बहुत सारा विविधीकरण है, जिसमें बागवानी फसलें आती हैं, खाद्यान्न फसलें आती हैं, इसके अतिरिक्त जो है
हमारे इससे जुड़े हुए बहुत सारे और व्यवसाय हैं, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, मशरूम कल्टीवेशन है, और जब फलों और उसकी सब्जियों की बात करते हैं तो वो बागवानी में आता है। तो बागवानी में ना केवल फल एवं सब्जियाँ आती हैं, उसके अतिरिक्त प्लांटेशन क्रॉप्स जिनको हम रोपणी फसलें कहते हैं, तो उन रोपणी फसलों के अंतर्गत जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम नारियल कहते हैं, श्री फल के नाम से जो है हम इसको जानते हैं, जिसका अपने आप में हमारे संस्कृति में जो है एक बहुत ही अद्भुत स्थान है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम उसको धार्मिक दृष्टि से भी साथ में जोड़ करके देखते हैं, उसको श्री फल कहा गया है, जो कि हमारे कोई भी जो पूजा का जो हमारा कोई भी कार्यक्रम है वो उसके बिना अधूरा रहता है। तो इसको जो है किसान जो है इसको खेती करते हैं और रोपणी फसलों की अधिकतर जो है आप देखेंगे कि जितने भी हमारी आर्द्र जलवायु वाले जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक की जा रही है, और हमारा देश जो है पूरे विश्व में जो है इसके उत्पादन में जो है नंबर वन पर है। लेकिन उसके अगर हम इसकी उत्पादकता देखें तो हमारी उत्पादकता में भी जो है हम सबसे आगे हैं, और इसका जो है दूसरे अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो तकनीक है बहुत सारी अच्छी नई किस्में उभर करके आई हैं, जिसको हम ईस्ट कोस्ट और ये जो इस तरह की वेस्ट कोस्ट जो कुछ नारियल की किस्में हैं उन किस्मों को जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनकी सिफारिश की गई है, किसान उसको लगा करके उसको खेती कर रहे हैं, और आजकल जो हाइब्रिड संकर किस्में भी जो है बहुत ही पॉपुलर हो रही हैं, और संकर किस्मों से जो उत्पादन है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ करके हो गया है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नारियल को हम सिर्फ हम अभी तक जो दृष्टि से देखते आए हैं कि उसमें से तेल निकाला जाता है, नारियल का तेल है, उसको हम खाद्य रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, उन मूल्य संवर्धित उत्पाद की जो है मांग जो है निरंतर रूप से बढ़ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं लोग, और वो विभिन्न प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग करने लगे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अभी तो मॉल संस्कृति उभर करके सामने आई है, और मॉल संस्कृति में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे तत्व जो है आपको वहाँ पर जो इस प्रकार के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, मेरा कहने का अभिप्राय है, वो जो उत्पाद हैं वहाँ पर बेचे जा रहे हैं। जो नए उत्पाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से जो इसका नीरा के नाम से है, नीरा है, कोको जल है, इसके अतिरिक्त कोको का जो बना हुआ मिल्क है जो नारियल के साथ जोड़ा गया है, जिसमें विटामिन ई और विटामिन सी जो है उसमें जुड़ करके साथ में आ गया है। तो नारियल से जो है संबंधित बहुत सारे अन्य उत्पाद भी हैं जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसको प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो उससे संबंधित क्रीम है या उससे संबंधित जो है आप देखेंगे कि जितने भी प्रसाधन सामग्री के जो है उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है उभर करके सामने आए हैं। और हमारा जो एक कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, भारतीय जो हमारा कृषि मंत्रालय है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत CDB आता है, जो हम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है उसमें उसको सहयोग मिल रहा है। उसके सहयोग के माध्यम से हम देश में नारियल के अधिक से अधिक क्षेत्र बढ़ाना और साथ साथ उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है विशेष तौर पर उसमें कार्य हो रहा है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री को तैयार करके किसानों को जो है उपलब्ध कराई जाती है। और ना केवल ये पौध सामग्री, उसके साथ साथ पौध सामग्री दे करके क्षेत्र तो विस्तार होगा ही होगा, उसमें जो बहुत सारे ऐसे कीड़े और कुछ बीमारियाँ लगती हैं तो उसके लिए एकीकृत प्रबंधन का जो है उसमें प्रावधान है। भारतीय हमारी जो कृषि का जो एक जो उसमें अनूठा जो प्रयास किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत, उसमें इसका इन सब चीज़ों का प्रावधान है। इसके साथ इसमें एक इंश्योरेंस का प्रोग्राम भी चलाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो उत्पादक हैं जब वो नारियल के उस पर जा करके तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो है रिस्क रहता है, तो उसके लिए एक मशीन भी तैयार की गई है। उस मशीन के माध्यम से नारियल के एक पौधे पर वो मशीन पर जो है सब्सिडी भी है, वो मशीन जो है उस पर लगा करके उस पर वो जो उत्पादक है वो चढ़ करके उनको फलों को तोड़ सकता है, जिससे कि उसकी जान का भी खतरा नहीं बना रहेगा, साथ साथ उसके ऊपर इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। लेकिन हम किसानों को यही आग्रह करते हैं कि नई टेक्निक को अपनाएं और साथ साथ जो है
उसमें जो भारत सरकार द्वारा बहुत सारी चलाई गई योजनाएं हैं उनका लाभ लें, चाहे उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री जो ये फसल बीमा योजना है, इसके साथ साथ जो है हमारी अन्य जो योजना है जिसमें कहा गया है कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए और साथ साथ जो हम जो इस तरह का जो अधिक उत्पादन लेने के लिए जो भी स्कीम है योजनाएं हैं उनका किसान लाभ ले और उच्च तकनीक को अपनाएं जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो और हमारे देश का जो हमारा फूड बास्केट है उसमें भी जो है हम योगदान कर सकें, यही मेरी सबसे जो है आग्रह है हमारे किसान भाइयों से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं क्रिब को आपकी अपनी संस्था है जो समय समय पर आपको बीज और खाद मुहैया कराती है। इसके अलावा भारत सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं किसानों तक पहुंचाने में पहला काम करती हैं। क्रिब को जहां मृदा परीक्षण में निःशुल्क काम कर रही है, वहीं नीम कोटेड यूरिया और इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। किस तरह के काम कर रही है इसकी जानकारी लेते हैं क्रिब को के प्रबंधक श्री स्वर्ण कुमार से। विविध कृषि जलवायु से समृद्ध हमारे देश का हर मौसम खूबसूरत है। फिर भाग तो है ही रंगों का मौसम, कुदरत फूलों वनस्पतियों के विभिन्न रंगों से धरती का श्रृंगार करती है। पिछले 3 दिनों से राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिसर में रंग ही रंग बिखरे थे। ये था कृषि उन्नति मेला 2016, जिसका आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। क्रिबको ने यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाई हुई है यहाँ कृषि उन्नति मेला 2016 के लिए। हम लोगों ने सभी प्रोडक्ट अपने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। हम लोग स्टार्ट क्रिबको ने शुरू किया था यूरिया से, उसके बाद हम नीम कोटेड यूरिया पे अपने आप को लेके आए। नीम कोटेड यूरिया में भी हम लोगों ने 2 तरह का यूरिया बनाया, प्रेड यूरिया और ग्रेनुलर यूरिया हम लोग किसानों के लिए उपलब्ध है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग क्रिबको सर्टिफाइड सीड में भी हम लोग अग्रणी हैं। हिंदुस्तान में हमारे लगभग 18-19 यूनिट हमारी सीड यूनिट हैं जो हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। इसके अलावा हम लोग मुख्य रूप से जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इस समय क्रिबको के पास हैं, लगभग 10 स्ट्रेन हमारे पास लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र के हैं। और पिछले साल हम लोगों ने लगभग 6 लाख लीटर लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पर हिंदुस्तान में सोल्ड किया है। इस साल हम लोगों की प्लान जो है लगभग 10 से 12 लाख लीटर इस साल बेचने की है। सभी स्ट्रेन हमारे पास हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जिंक और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के कम्बिनेशन भी हमारे पास हैं। कम्बिनेशन में हम NPK 1 NPK 2 और NPK 3 हमारे पास हैं। किसानों तक पहुंचाने के लिए हम लोग इनका डेमोंस्ट्रेशन लगाते हैं। हम लोग विलेज क्लस्टर अडॉप्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग विलेज क्लस्टर लेते हैं। हर विलेज क्लस्टर में हम लोग इनको डेमोंस्ट्रेट करते हैं। लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो क्रिबको कंपोस्ट के नाम से किसानों के लिए अवेलेबल है। दोनों के कम्बिनेशन के साथ हम लोग डेमोंस्ट्रेशन लेआउट करते हैं, अलग अलग ट्रायल लगा के किसानों से हम फीडबैक लेते हैं ताकि उसी हिसाब से किसानों को हम अवगत करा सकें कि किस कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बीजों में किसानों को सब्सिडी सरकार द्वारा दी जा रही है और हम लोग जितने भी बीज पैदा कर रहे हैं वो सब्सिडी स्कीम के तहत ही पैदा करके किसानों का उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनिशिएटिव आपके लिए मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नीम लेपित यूरिया का इनिशिएटिव क्रिबको द्वारा ही लिया गया था और हम लोगों ने मिनिस्ट्री में किसानों के बीच में जा के बहुत प्रचार प्रसार किया। पहले शुरुआत में नीम लेपित यूरिया में 35% का कैप था गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों के प्रयास के बाद परीक्षणों के आधार पर गवर्नमेंट से हम लोगों ने अनुरोध किया कि नीम लेपित यूरिया के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उस चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी उस चीज़ को माना और जो प्रोडक्शन का कैप था वो ख़त्म किया गया। सोयल हेल्थ के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्रिबको ने बहुत इस शुरुआत से 1988 से ही सोयल हेल्थ को अपना इनिशिएटिव लिया था और हम 4,42,000 सोयल सैंपल अब तक टेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक लैब, पहले हमारे पास मोबाइल सोयल टेस्टिंग लैब हुआ करती थी, मोबाइल सोयल टेस्टिंग लैब को
उसको हमने स्टेटिक लैब में बदला। नोएडा में हमारा कृषि परामर्श केंद्र है, जहाँ पे कि हम लोग सोयल टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, और एक हमारे यहाँ कृषि परामर्श केंद्र में हम मिट्टी की जांच करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा इस मेले के माध्यम से लोगों को कि हम लोग 11 तरह के टेस्ट एक सैंपल के करते हैं, और किसानों के लिए ये सुविधा निःशुल्क है। हिंदुस्तान में क्रोपको अकेली ऐसी संस्था है जो 11 तरह के एक सैंपल के टेस्ट करती है, और उसका कोई पैसा किसानों से चार्ज नहीं किया जाता। प्रशिक्षण के लिए हम लोग सोयल कैंपेन की लगाते हैं, सोयल सैंपलिंग कैंपेन। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी मार्केटिंग टेरिटरी है 15 स्टेट्स में, वहाँ हर गांव लेवल पे सोयल सैंपलिंग के कैंपेन लगाते हैं, और वहीं से सैंपल हमारे पास कोरियर के माध्यम से हमारे पास आते हैं, उनकी हम प्रॉपर जांच करते हैं। 11 टेस्ट हम लोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इवन देन हम लोग पीएच और इसी के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग भी करते हैं। उसमें मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, और जिंक का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी समय से किसानों के बीच में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में अक्सर हम लोग अपने किसानों को अवगत कराते रहे हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/krishidarshandd, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshandd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshandd। भेजे हमें मेल krishidarshandd@gmail.com पर। किसान भाइयों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन जो हमारा आपकी चिट्ठी मिली, आपके मेल कार्यक्रम होता, वो देखना ना भूलें। इसके अलावा क्योंकि आपका थ्रेसर काम करने वाला है या कि फसल कट चुकी हैं, कई कटने वाली हैं, इसलिए थ्रेसर की देखभाल जरूर कर लें। कहीं ग्रीस लगनी है, कहीं पट्टी सही करनी है, कहीं अरे सही करनी है। इसी के साथ चाहते हैं विदा, फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारी के साथ। सब भाई बहनों को नमस्कार।